हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी गुरुकुल। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है G7 समिट। ये फिलहाल न्यूज में क्यों था, G7 समिट में कौन से कंट्रीज है, ये किस तरह से फॉर्म हुआ था, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। सो यूनाइटेड किंगडम ने इनवाइट किया है किनको, भारत को, ऑस्ट्रेलिया को एंड साउथ कोरिया को अटेंड करने के लिए G7 समिट की, बराबर, जो शेड्यूल किया गया है कभी जून में एज गेस्ट कंट्रीज। यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया, भारत को, ऑस्ट्रेलिया को और साउथ कोरिया को नियोता दिया और उनको कहा कि आप G7 समिट को अटेंड करें एज गेस्ट कंट्रीज, जो कि कब शेड्यूल किया गया है, जो कि होने वाली है जून में। उसके वजह से फिलहाल ये G7 समिट जो है वो न्यूज में आ गई थी। अभी व्हाट इज G7? G7 में एक्चुअली है क्या? सो द G7 ओरिजिनली क्या कहा था इसका नाम, ओरिजिनली इसका नाम था G8, वॉज सेटअप इन 1975। ये कब सेटअप हुआ था गाइस, 1975 में सेटअप हुआ था। और G7 जो था उसको पहले हम कहते थे क्या, G8, मतलब एक कंट्री जो है वो कम हो गई है, पहले G8 था, अब हम उसको कहते हैं G7, ठीक है। G7 मतलब ग्लोबल 7, एज एन इनफॉर्मल फोरम ब्रिंगिंग टुगेदर द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन, ठीक है। एक इनफॉर्मल फोरम है जो कि इकट्ठा करता है वर्ल्ड के लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस को, बराबर। G7 के अंदर वर्ल्ड के जो लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस है उसके लीडर्स को इकट्ठा करने का काम होता है। ओके, द समिट गैदर्स लीडर्स फ्रॉम, कहां-कहां से अभी लीडर्स आते हैं, तो लीडर्स आते हैं फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, बराबर, जो कि इसके पार्ट है, ठीक है। G7 के ओरिजिनली कौन कौन पार्ट है, कौन से देश इसमें शामिल है, तो यूरोपियन यूनियन शामिल है इसमें, फिर कौन सी कंट्रीज है, तो एक है कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। जो समिट है उसके अंदर आपको यूरोपियन यूनियन देखने मिलेंगे और कौन सी कंट्रीज देखने मिलेगी, तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये सारे कंट्रीज जो है वो G7 के पार्ट है। ओके गाइस, द मेजर पर्पस क्या है अभी G7 का, टू डिस्कस एंड डेलिब्रेट ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशू। G7 का मेन पर्पस क्या है कि वो डिस्कस करेगा और डेलिब्रेट करेगा किस, कौन सी चीज पे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशू, ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है। ये मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं बनाई गई है, इकोनॉमिक इशू, ठीक है, अर्थव्यवस्था को डिस्कस करने के लिए ये फोरम बनाया गया है। समटाइम्स एक्ट्स इन कंसर्ट टू हेल्प रिजॉल्व द अदर ग्लोबल प्रॉब्लम्स, कुछ अगर डिफरेंट कुछ ग्लोबल प्रॉब्लम्स आ गई इनके सामने तो उसको भी रिजॉल्व करने का काम करता है G7 विद अ स्पेशल फोकस ऑन इकोनॉमिक इशू, पर उस पे भी वो इकोनॉमिक इशू पे ही फोकस ज्यादा करेगा, ठीक है गाइस। तो G7 जो फॉर्म हुआ है फोरम उसका मेन पर्पस क्या है, टू सॉल्व द इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशू, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशू को सॉल्व करने के लिए G7 जो है वो बना था। ओके गाइस, How did G7 become G8? मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में कहा था कि G7 को पहले कहा जाता था G8। तो G8 से G7 कैसे बना? तो रशिया जो था वो इंडक्ट किया गया था फॉर्मली इन द ग्रुप इन 1998, ठीक है। 1998 में रशिया को इस फोरम के अंदर इंक्लूड किया गया था, विच लेड G7 टू बिकम G8। 1998 में G7 जो था, ये बात अभी आप ध्यान से सुनना, 1998 में G7 जो था वो G8 हो गया, कैसे, उसमें रशिया को इंक्लूड किया गया, बराबर। फिर रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनको कंडेम किया गया था क्योंकि रशिया के जो ट्रूप्स थे उन्होंने ईस्टर्न यूक्रेन पे चढ़ाई कर ली थी, बराबर, ईस्टर्न यूक्रेन एंड क्रीमिया उसपे उन्होंने बोलते ना कब्जा कर लिया था, वहां पे रशियन ट्रूप्स को भेज दिया था 2014 में, और उसके वजह से उनको हैवी क्रिटिसिज्म सहना पड़ा फ्रॉम G8 नेशन, बराबर। रशिया को G8 के अंदर इंक्लूड कर दिया गया, बराबर, तब वो G8 नाम का फोरम बना, पहले वो G7 था, रशिया आ गया तो G8 बना। उसके बाद 2014 में
पुतिन ने क्या किया, जो कि प्रेसिडेंट है रशिया के, उन्होंने रशिया की जो फौज है वो ईस्टर्न यूक्रेन पे एंड क्रीमिया पे भेज दी उन्हें कॉन्कर करने के लिए। उसके वजह से उनकी काफी आलोचना की गई, क्रिटिसिज्म किया गया और फिर एक डिसीजन लिया गया कि रशिया को सस्पेंड कर दिया जाए G8 में से, बराबर, एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट्स एक्शन। ये हरकत के वजह से रशिया को सस्पेंड कर दिया गया G8 के अंदर से, बराबर, और फिर से G8 बन गया G7 इन द ईयर 2014। 2014 में G8 जो है वो G7 बन गया इन 2014 में। कैसे बना आपको समझ में आया ना कि रशिया को बाहर निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि उन्होंने क्रीमिया पे कब्जा कर लिया था, जिसकी आलोचना काफी हुई थी पूरे विश्व भर से, और इसी से नाराज होके उनको सस्पेंड कर दिया गया था। ठीक है गाइस, तो यही था हमारा टॉपिक अबाउट G7। इसी तरह से करंट अफेयर्स की वीडियो हम यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। पीडी गुरुकुल का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।